हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सब्जी की रेसिपी जो कि है मंगौड़ी आलू की सब्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, मंगौड़ी जिसको कि बड़ी भी बोला जाता है, बरी भी बोलते हैं, और मूंग की दाल की भी बनाई जाती है, उड़द की दाल की भी बनाई जाती है, तो उससे मैं आपको सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। तो मंगौड़ी आलू की सब्जी आज हम बनाना सीखेंगे, किस तरह से आप बना सकते हैं मूंग की दाल की मंगौड़ी से बनी हुई सब्जी। ये जो मंगौड़ी है मेरी घर की बनी हुई मंगौड़ी है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। तो हम इसको बनाएंगे, इस सब्जी को मंगौड़ी के साथ और आलू डालकर बनाएंगे, तो बनेगी मंगौड़ी आलू की सब्जी। जब भी आपके घर में कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट इतना कमाल होता है फ्रेंड्स कि यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा खाकर अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ली है एक कप मंगौड़ी और एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू ले लें। इसके बाद में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मंगौड़ियों को भूनना है, रोस्ट करना होता है। तो मंगौड़ी कच्ची होती है, मूंग की दाल की बनी हुई है, उड़द की दाल की भी बनाई जाती है, तो जो भी आपके पास मंगौड़ी हो, घर की बनी हुई हो या बाज़ार की हो, उसको आप थोड़ा सा भून लें। मैं इस काम को एक ही पैन में कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कुकर लिया हुआ है और कुकर में मैंने डाला है 1 से 2 चम्मच तेल और इसमें मैं मंगौड़ियों को इसी तरह से भूनूंगी लो मीडियम फ्लेम पर। 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा और आप देखेंगे मंगौड़ियों में इस तरह से कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन बढ़िया कलर आ जाना चाहिए। इसके बाद में हम इन मंगौड़ियों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमारी मंगौड़ियाँ रोस्ट हो चुकी हैं, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को मैंने धीमा कर दिया है और अब सेम पैन में, सेम कुकर में हम डालेंगे इस तरह से ऑयल। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब डालूंगी ऑयल। कुकर में हम ये सब्ज़ी बनाएंगे, फटाफट बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो देखिए 2 टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम हाई पर गर्म कर लें और इसमें डालें 1 चम्मच जीरा। साथ ही हम इसमें 1 तेज़पत्ता भी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 तेज़पत्ता डाल दीजिए। और इसके बाद में फटाफट से हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली जिसको मैंने बहुत ही बारीक काटा है। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर प्याज का पेस्ट भी बना सकते हैं मिक्सी में, उसके बाद डालें। तो जिस भी फॉर्म में चाहें आप प्याज को डाल दें। अगर आप अनियन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्याज के साथ ही अच्छी बनती है। मेरे घर में दोनों ही तरीके से बनाई जाती है और ज़्यादातर तो बिना प्याज के ही बनाई जाती है। तो आप भी इसको बनाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में, बहुत आपको पसंद आएगी। तो प्याज को भी इसी तरह से भून लीजिए। प्याज हमारी भून रही है तो इसको मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे और मीनवाइल हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। तो 2 हरी मिर्चों को यहाँ से मैंने हाफ कर लिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो मैं ऐड कर रही हूँ। आप फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, वो स्किप कर सकते हैं, जस्ट इसमें अदरक का पेस्ट ऐड डाल दें या फिर अदरक को काट कर या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए प्याज को धीमी आंच पर मैंने इसी तरह से भून लिया, धीमी आंच करते हुए कभी मीडियम किया कभी धीमा किया और मैंने भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको रफली काट कर मिक्सी में डालकर मैंने प्योरे बना लिया और वो डाल दिया। टमाटर हमें इसमें ज़्यादा डालना होता है फ्रेंड्स, तभी हमारी जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट निकल कर आता है। तो एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिए, प्रोपोर्शन ठीक रखें आप प्याज का टमाटर का, आपको सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो टमाटर हमने इसमें डाल दिया है तो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक भी डाल देते हैं। आप चाहें तो पूरा नमक एक बार में डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच अभी डाल दें और बाकी का जब भी कम लगे तो बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। मैंने पूरा नमक एक बार में डाल दिया है। नमक इसलिए भी डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि हम अभी इसमें बरी भी डालने वाले हैं, थोड़ा सा बरी को इसमें चलाएंगे तो बरी के अंदर थोड़ा नमक चला जाएगा तो हमारी बरी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर टमाटर के पेस्ट को भी प्याज के साथ हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले भी डाल देंगे। 1 सूखे धनिया का पाउडर 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से हम धीमी आंच पर भून लेंगे। अगर आपको बहुत ड्राई लगे मसाला तो देखिए इस तरह से मसाले को अच्छे से भूनना है हमें और इसके बाद में हल्का सा पानी डाल दें। मसाला बहुत ड्राई लग रहा था, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम कटे हुए आलू ऐड करेंगे। तो जो हमने कच्चा आलू लिया था उसको मैंने छील लिया और इस तरह से टुकड़ों में काट लिया। आलू का साइज़ और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आलू के साइज़ को छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है और आलू की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और मंगौड़ी भी मैंने डाल दी है इसमें, मूँग की दाल की मंगौड़ी भी डाल दी है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी।
तो फ्रेंड जो मंगौड़ी होती है काफ़ी अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो इसमें पानी ज़्यादा जाएगा और जब सब्ज़ी बनकर तैयार होगी तो आप देखेंगे कि सारा पानी बढ़िया एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिया। जिस कटोरी से आपने बड़ी को नापा है उसी कटोरी से नापकर आप इसमें 4 से 5 कटोरी पानी डाल सकते हैं। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद में कुकर का ढक्कन लगाकर इसको मीडियम हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आप इसमें 5 से 6 सीटी ले लें। सीटी आ चुकी थी फ्रेंड्स, कुकर ठंडा हो गया है। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर मंगौड़ी आलू बनकर तैयार है, ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ऑलमोस्ट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अभी हमें कुछ और काम करना बाकी है जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपको सब्जी काफ़ी गाढ़ी लग रही होगी तो आप जब भी चाहें तो गर्म पानी अलग से आप इसमें डाल सकते हैं और ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं, थिकनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ ही आप इसमें 1/2 से 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें, बहुत अच्छी खटास आएगी इससे। वैसे टमाटर का यूज़ भी हुआ है पर 1/2 चम्मच डाल दें इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल दें और अच्छे से मिला लेंगे। और ग्रेवी मुझे काफ़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, 1/2 कप के करीब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। और अगर आपको और भी ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी डालकर अच्छे से मिला लें और इसके बाद में हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम को मैंने लो मीडियम कर दिया है और ढक्कन लगाकर इस तरह से ढक्कन लगाना है, यानी कि प्रेशर कुक नहीं करना है हमें, सिर्फ ढक्कन मैंने ऊपर रख दिया था लो मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट मैंने पका लिया और सब्जी देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। गरम मसाला हमने इसमें डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, धनिया डाला है, सभी की खुशबू सब्जी में आ चुकी है। तो ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस सब्जी को अपने घर में कभी भी बना सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तो आप इस सब्जी को बनाइए। मंगौड़ी आप अपने घर में बना सकते हैं या फिर मार्केट से लाकर भी यूज़ कर सकते हैं। आलू सभी के घर में अवेलेबल होते हैं तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, प्लेन राइस के साथ भी खाने का मज़ा इसका बहुत ही मज़ा आएगा, खाने में बहुत ही अलग स्वाद आता है। तो आप बनाकर देखें, खाकर देखें इसको रोटी और चावल के साथ। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इस पर एक तड़का और लगा सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं तड़का दिखा देती हूँ आपको, तड़का डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए हम लेंगे एक तड़का पैन, इसमें लेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी लास्ट में डालने से सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो घी को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करके इसमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इन दोनों चीज़ों का तड़का बनाने के बाद में गैस को ऑफ करके हम इसको डालेंगे फटाफट से मंगौड़ी आलुओं पर और बस फटाफट से आप इसको सर्व कीजिए। गर्मा गर्म सर्व करना है, गरम गरम रोटी और गरम गरम चावल के साथ। आप भी बनाकर देखें मेरी ये मंगौड़ी आलू की रेसिपी। कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय बाय।